तीर्थराज प्रयाग संपूर्ण भारत की आस्था का प्रतीक है। इस धरती को माँ गंगा, यमुना, सरस्वती और लेटे हुए हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ महर्षि भरद्वाज का आश्रम है, तो वहीं द्वादश माधव, लेटे हनुमान जी आदि है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पौराणिक नाम प्रयागराज किया गया है। ये बातें संगम नगरी के परेड मैदान पर आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। परेड ग्राउंड पर गुरुवार दोपहर करीब 2:15 बजे मुख्यमंत्री पहुंचे। उन्होंने लगभग 1295 करोड़ रुपए की 284 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 3 योजनाओं के 20 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और पीएम आवास की चाबी प्रदान की। पंजाब नेशनल बैंक आरोपी पार्क की तरफ से फूड प्रोसेसिंग के लिए 167.55 लाख रुपए की सहायता, बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। श्रीमती नाजिश पेपति श्री अबरार आलम पंजाब नेशनल बैंक कलर जैसे आइसक्रीम की निर्माण की फैक्ट्री के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान मिले और श्री रविकांत यादव जी पिता श्री आरपीपी यादव इंडियन बैंक की तरफ से आरओ वाटर प्लांट के लिए 49 लाख रुपए का। पीएम सेवा निधि के लाभार्थियों में सबसे पहले विपिन कुमार सब्जी की दुकान के लिए राजापुर गंगा नगर से 50,000 की सहायता ली। डूडा प्रयागराज से आज 15 कुल मिला के 15 लाभार्थी थे, जिसमें 5 लाभार्थी पीएम स्वनिधि योजना के, जिसके अंतर्गत उनको 50,000 के 2 लाभार्थियों को और 20,000 के 3 लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चेक वितरण किया गया और प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत जिनके आवास पूर्ण हो गए थे 10 लाभार्थियों को चाबी वितरण किया गया। मेरा नाम वर्तिका सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा प्रयागराज। विकास की धरती श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, माँ गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, नई कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता